YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किधर मूवमेंट कर सकता है, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स में आप कल ट्रेड कर सकते हैं, उन स्टॉक्स की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ निफ्टी जो है आज कुछ इस तरह से ट्रेड किया। ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन, यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस गया, फिर ये रेसिस्टेंस जोन था जो कि मैंने टेलीग्राम पर आपको इसका चार्ट भी पोस्ट किया था कि जब तक रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता है तो हमें ऊपर का मोमेंटम नहीं मिलेगा, और जब तक सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाता तब तक हमें नीचे का मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो आज पूरी तरह से मार्केट रेंज बाउंड था, पूरी तरह से रेंज में ट्रेड किया। तो कल इस रेंज को जिधर ब्रेक करता है, मतलब यहीं पर ओपन हो, इसी के आसपास ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से थोड़ी देर ट्रेड करे और नीचे की ओर ब्रेक करता है सपोर्ट जोन को, तो निश्चित रूप से हमें डाउन बार एक मोमेंटम देखने मिलेगा। और अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है यहीं पर ओपन होने के बाद, इसी जगह आसपास ओपन हो थोड़ा देर ट्रेड करने के बाद ऊपर की ओर ब्रेक करता है रेसिस्टेंस जोन को, तो हमें ऊपर की ओर एक फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। आज निफ्टी के ऊपर की ओर मोमेंटम का जो था पॉसिबिलिटी काफ़ी कम था, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी शार्प सेलिंग हमें देखने मिला, तो इस लेवल को क्रॉस करना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देता है जो कि है 17,250 से लेकर के 17,270 के लेवल का, तो ये जो 20 पॉइंट का लेवल है ये रेसिस्टेंस जोन का काम करेगा। जब तक इस लेवल को निकाल नहीं लेता है तब तक हमें अगला लेवल देखने नहीं मिलेगा। अगर इस लेवल को निकालता है निफ्टी तो ऊपर यहाँ तक आ सकता है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है तब इस गैप को फिर निफ्टी फिल कर सकता है। वहीं अगर ये नीचे मोमेंटम करता है यहीं पर खुले, और यहीं पर खुलने के बाद जिसके आसपास आज का जो क्लोजिंग है यहीं पर खुले, और यहाँ से अगर सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है जो कि है 17,050 का, 17,050 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ये 17,000 तक आराम से आ सकता है, या यहाँ से 17,000 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमें देखिए एक शार्प पुल बैक यहाँ पर देखने मिला है। तो यहाँ इस लेवल तक हम फिर यहाँ पर आ सकते हैं 17,000 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, किस तरह से प्राइस एक्शन कल बनता है तो उसके अनुसार आपको ट्रेड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, निफ्टी यहाँ पर हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसमें जो पुल बैक था थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन निफ्टी में कुछ खास पुल बैक नहीं था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये देखिए यहाँ पर ये पोल हो गया और इस तरह से कुछ पोल एंड फ्लैग पैटर्न बैंक निफ्टी बनाया है। तो अगर इस मतलब इसको ब्रेक करता है नीचे की ओर तो बैंक निफ्टी नीचे की ओर मूवमेंटअप करेगा, तो नीचे कुछ खास यहाँ पर रेंज है नहीं, तो ये आराम से यहाँ पर 36,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आराम से ये 35,900 तक के लेवल को दिखा सकता है। फिर अगर ये इसी यहीं पर ओपन होता है, अगर गैप डाउन या गैप अप हो गए तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर ओपन होते हैं जहाँ आज क्लोजिंग हुआ इसी के आसपास, ओपन होने के बाद अगर हम यहाँ पर इस लेवल को निकालते हैं, ये जो रेसिस्टेंस जोन है इसका जो कि 36,500 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ ऊपर की ओर मोमेंटम देखने मिल सकता है जो कि एक फास्ट मोमेंटम होगा, और ये बैंक निफ्टी को 37,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। 37,000 से 37,125 जो है ये इसका रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ तक बैंक निफ्टी मोमेंटम कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये अपना गैप फिल कर सकता है, ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है इस गैप को फिल करने बैंक निफ्टी आ सकता है जो कि 37,435 का लेवल। तो बैंक निफ्टी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है, तो इसके लिए ऊपर की ओर मूवमेंटम करना उतना आसान नहीं होगा। तो हम ऊपर की ओर मूवमेंटम जो है खास उम्मीद करके नहीं चल रहे हैं कि जब तक प्राइस एक्शन हमारा कुछ ऐसा ना बने, एक डब्लू पैटर्न बन जाए, डब्लू पैटर्न बनाता है फिर उस नेकलाइन को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर मूवमेंटम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न कुछ इस तरह से बनाता है, तो नेक लाइन को जैसे यहाँ पर ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की ओर मोमेंटम के लिए, और ये मोमेंटम हो सकता है यहाँ पर 37,100 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो ऊपर का जो मोमेंटम है वो काफी कम पॉसिबिलिटी है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है इसको नीचे की ओर ब्रेक करे, लेकिन किस तरह से मार्केट में कर प्राइस एक्शन बनता है उसके अनुसार देखना पड़ेगा। अगर काफी ज्यादा हम गैप अप या गैप डाउन होते हैं तो फिर कोई बात नहीं, तब वहाँ पर जो है बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकता है। अगर हम यहीं पर इसी के आसपास आज के क्लोजिंग के आसपास ओपन होते हैं फिर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हमें नीचे का जो 200 पॉइंट तक का फास्ट मोमेंटम देखने मिल सकता है।
तो ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स या किस तरह से प्राइस मोमेंटम कल कर सकता है। देखिए अब बात कर लेते हैं कौन सा स्टॉक में आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर कल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो आज का लो है जो कि 6960 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो टारगेट लेकर चलना है वो है 6760 का, तो इस लेवल के लिए आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर पॉइंट आपको मिलेगा, लगभग 200 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपको पॉइंट मिल सकता है। जब बजाज फाइनेंस यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो आप सेल कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट आप यूज कर सकते हैं। एक स्टॉक्स मैंने बताया बजाज फाइनेंस, जिसको आप सेल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जिसको आप बाय करके चल सकते हैं वो एशियन पेंट। एशियन पेंट अगर आज के क्लोजिंग 3083 रुपये, मतलब सीधा 85 रुपये समझें, इसके ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है जस्ट आज के क्लोजिंग के नीचे आपको रखना है। जैसे 85 ऊपर निकलता है तो यहाँ पर 83 के नीचे, मात्र 3082 के नीचे रखना है। तो मात्र यहाँ 4-5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा और अच्छा खासा यहाँ पर आपको टारगेट मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार आपको 15 मिनट का चार्ट यूज करना है और इसको आप बाइंग के रडार पर लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि आज जो कैंडल बना है ये एक ब्लू मोरोबोजी कैंडल है, हो सकता है मोमेंटम कल भी कंटिन्यू करे। अब देखिए दूसरा स्टॉक जिसको आप सेल कर सकते हैं, तो मार्केट हमारा अगर डाउनवर्ड होगा, मार्केट के नीचे मोमेंटम करेगा निफ्टी हमारा, तो हम सेल करके चलेंगे, सेल वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करेंगे। अगर हमारा निफ्टी जो मोमेंटम ऊपर की ओर करता है तो हम बाइंग वाले स्टॉक्स में अपना पोजिशन बनाएंगे, या आपको जैसा अच्छा लगे वो करना है। देखिए चोला फाइनेंस काफी जबरदस्त स्टॉक्स है। अब देखिए चोला फाइनेंस में लगातार ये दूसरे दिन यहाँ सेलिंग देखने मिला। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन देखने मिला, यहाँ पर जो है सप्लाई देखने मिला और फिर आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनाया। तो हो सकता है कल भी मूवमेंट अब ये कंटिन्यू करे। तो जैसे आज के लो को ब्रेक करता है 707 के नीचे निकलता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 710 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर जो टारगेट आप लेके चलेंगे, पहला तो आपको 700 लेके चलना है, मात्र 1% का टारगेट इंट्राडे बेसिस है। फिर अगर वो 700 के नीचे मोमेंटम करता है तो आप 687 रुपीज़ का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जोन है। तो पहला आपको 1% टारगेट लेके चलना है, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो काफी जबरदस्त यहाँ पर आपको ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट कल फॉल करता है तो। फिर अगला स्टॉक जिसमें आप बाय करके चल सकते हैं वो अल्ट्राटेक। देखिए काफी जबरदस्त यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया है। देखिए एक जबरदस्त रैली, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। इस कंसोलिडेशन से जैसे ये ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय आप जो करेंगे ये जब 6830 के ऊपर निकलेगा तो आप इसको बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ बस्ट आपको जस्ट इसके नीचे निकालना है जब इसके ऊपर निकलेगा, तो प्राइस एक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है, देखिए एक बॉक्स बना रखा है, अगर इसके ऊपर निकलेंगे तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे निकले तो सेल भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय करके चलेंगे ज़्यादा बेटर होगा अगर मार्केट हमारा अप मूवमेंटअप करता है तो। छोटा सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलेंगे जस्ट। फिर यहाँ पर आपको जो टारगेट होना चाहिए 1% का होना चाहिए, तो 1% मतलब लगभग 70 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट आपको लेकर चलना है, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर होगा। टारगेट ज़्यादा भी मिल सकता है, तो बस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है। तो जब इसके ऊपर निकलेगा यहाँ पर, मतलब इसी रेंज में ओपन हो और इस रेंज को ब्रेक करे नीचे से ऊपर की ओर, तो हम इसको बाय करके चलेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आप कल ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन इसमें बना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।